गाइस कैसे हम सभी, आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। भाई मैं भी एकदम टकाटक हूँ। मैंने आपको बता दिया था कल वाले व्लॉग में कि मैं मनाली आया हूँ। पीछे मेरा रूम है, इस रूम में सौरभ वगैरह सारे के सारे मतलब रेडी हो रहे हैं। हम बाहर निकल के जा रहे हैं। हम मतलब हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बट यहीं आसपास का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा डिटेल विटेल लेंगे कि कैसा क्या क्या करना होता है, और घूमेंगे फिरेंगे। खाना भी नहीं खाया हमने कल से, जब से मतलब निकले ना बस से, कल से खाना नहीं खाया, तो खाना वाना खाते हैं। भूख लगी बहुत तेज, और देखते हैं आसपास का, घूमते हैं मस्त मस्त, देखते हैं क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद सीधा बर्फ़ पे जाने का प्लान है हमारा, तो चलते हैं। भाई यहाँ पे ये सारे के सारे तैयार खड़े हैं, ये आईफोन का शॉप करते हुए सौरभ गुप्ता जी। ठीक है भाई, इतने सस्ते फ़ोन में लेता भी नहीं हूँ। अब फ्लैश जल गया उसका, बंद कर लो। 3 करोड़, अच्छा 3 करोड़ भिजवा दूँगा, ठीक है परसों। भाई अभी हम खड़े हैं होटल के काउंटर पे। ये यहाँ पे भाई इन्होंने पता नहीं क्या पे वे किया, आधार कार्ड वगैरह दिखाया। थोड़ा मैं धूप से करूँ आपको, मैं दिखा सकता हूँ भाई वहाँ पे देखो, जो वहाँ पे बर्फ के पहाड़ हुई, बर्फ पड़ी हुई 2 दिन पहले ही बर्फ पड़ी यहाँ पे ना अंकल जी, 2 दिन पहले यहाँ पे बर्फ पड़ी। हम कहा 2 दिन पहले आता मजा आता, अब पड़ जाए तो और ही मजे। फिलहाल तो चल रहे खाना वाना बहुत तेज उंगली कसम से। आईफोन से ब्लॉग कर रहा हूँ चेतन, कैसे मेरे पास कैमरा भाई बहुत भारी है, दिक्कत होती है दिक्कत। सो भाई अभी हम आए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, और भाई देखो समोसे खाए जा रहे हैं भाई, यहाँ की रेट बढ़ी आई है, लूटे जा रहे हैं फुल्ली। फिलहाल समोसे मंगाए, आलू पराठे मंगाए, आ रहे हैं वो भी खाते हैं, और सौरभ भाई खा रहे हैं मस्त। मैं बताऊँ ना, जो समोसे होते हैं ना उनको फोड़ दिया, आलू चाट में कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ फर्क नहीं, पैसे बढ़ा दिए और हमने खाना वाना खा लिया, लेकिन खाना खास हो लिया लेकिन पच नहीं रहा। पच क्यों नहीं रहा, क्योंकि भाई बहुत महंगा था, 250 रुपए में 2 आलू के पराठे और 2 समोसे। मैंने कहा भाई घर से दाल और एक मतलब कढ़ाई वढ़ाई रख लेता था ना, घर पे ही बना लेता होटल पे, बट ठीक है 250 रुपए में पेट भी नहीं भरा कसम से। फिलहाल हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, इस साइड दे सोच रहे हैं थोड़ा घूमा है, पहाड़ों पर आए हैं बस टाइम, तो घूमते हैं और मस्ती करते हैं। कार वाला बोल के ब्लॉगर दिखने अंधा है क्या, ब्लॉगर बोल के। तो 250 रुपये का खाना खाने के बाद, पेट ना भरने के बाद हम जा रहे हैं पहाड़ों पर। तो सो गर्ल्स गर्ल्स गाइस, देखो देखो तो बर्फ़ बर्फ़, वो देखो जो है वो बर्फ़ का पहाड़ है भाई, बर्फ़ रखी है। मुझे वहाँ पे जाना है, कोई लेके चलो, मस्त बर्फ़ है भाई यहाँ पे यार। ये पहाड़ का सीन, ये सौरभ का सीन है। नीचे मैंने एक भुट्टे वाले भैया थे, उनसे हमने रास्ता पूछा पहाड़ों पर जाने के लिए, तो उन्होंने सीढ़ियाँ सजेस्ट की कि यहाँ से ऊपर जाओ, फिर वहाँ से कोई चौक है, वहाँ से सीधा पहाड़ पर जा सकते हो तुम। भाई हम सीधा जा रहे हैं, देखेंगे पहाड़ पर पहुँचते या नहीं पहुँचते, हमारा सफ़र जारी रहेगा। हम लोग जो रस्ते से आ रहे थे, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पर मतलब यहाँ के जो नज़दीक प्लेसेस थे ना, जो मतलब एकदम घूमने लायक थे, उन सब के नाम और फोटोज़ वगैरह लगे हुए थे। तो उसमें से एक था हडिम्बा टेम्पल, तो यहाँ पर सबसे नज़दीक था हमारे हिसाब से, 1.5 किलोमीटर है, हम उसी के रास्ते पर जा रहे हैं। वहाँ से तो वहाँ से मतलब जंगल पहाड़ों पर जाने का भी रास्ता है, तो हमने कभी पहाड़ों पर जाने का रास्ता था, तो चलते हैं फिर। तो वहीं जा रहे हैं, पहाड़ों पर भी जाएंगे, देखते हैं कहते कहते सिस्टम है, और आपको भी दिखा देंगे है ना। सो फाइनली बहुत चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं हडम्बा टेम्पल, जो कि ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है हडम्बा टेम्पल। भाई मुझे यहाँ जाना है, इसके अंदर वहाँ घूमने जाना है, पहाड़ों में ऐसे घूमना है मुझे। भाई कितना मस्त खरगोश है, वो खरगोश से कौन है, खरगोश ना चल फोटो खींच, चल पैसे देना। सौरभ भाई इसमें है क्या वैसे, मतलब किस चीज़ का है? हाँ यार ये तो है, हम भी पहले फिलहाल भी पता नहीं है इसके अंदर, पर इसके अंदर मुझे कुछ नहीं पता क्या है, बट पता नहीं किस चीज़ का टेम्पल है, देखते हैं क्या है। बाकी थोड़ा पुराना टाइप का रखा है, मस्त एकदम। सो आप देखो खतरनाक चीज़ दिखाऊंगी, देखो यार देखो ना सिंह है भाई, हिरण के साथ भाई जानवरों को सिंह का रखते, खतरनाक लग रहा है मुझे।
मंदिर हमने देख लिया, काफी अच्छा था, पर उसके ऊपर आकर गेम्स वगैरह खेली जा रही थी, मस्त लोग हारते जा रहे थे अपने पैसे और वो कमाते जा रहे थे। सौरभ बोला विकास भाई तुम खेल लो, हमने कहा ना भाई हम जुआ नहीं खेलते। क्या मतलब वो जुआ नहीं था, वो धुआं धुआं था, जो पैसे धुआं धुआं हो जाते। कसम से जिसकी तलाश थी वो मिल चुकी है फाइनली भाई, मुझे बर्फ दिख गई, मैं बर्फ में जा रहा हूँ, वो भाई मुझे इतनी खुशी हो रही ना, मुझे वहाँ पे बर्फ पे, मैं बर्फ में जाने दिखा देता हूँ, वो दिख रही ना वो जूम हो जा सामने, ये बर्फ पड़ी हुई गाइस, दो दिन पहले बर्फ पड़ी थी यहाँ पे, वो बर्फ है वहीं पर जा रहा हूँ मैं गाइस, कसम से भाई सच में बर्फ है, ये देखो ये जो है सच में बर्फ तो मस्त है भाई, लेकिन यार इसके अंदर किस यार वो बर्फ उसके अंदर है, मुझे उसके अंदर जाना ये जो लगी तार फटी लगी जाली लगी हुई यहाँ पे भाई, मस्त बर्फ ही बर्फ हो रखी देखो यार, फर्स्ट टाइम देखी है ना, इतनी खुशी हो रही है, दिल खुश हो गया मेरा। ओ भाई यहाँ से निकलने का तरफ भाई, यहाँ पे रास्ता है देखना, दिमाग खराब हो गया, इसके अंदर जाने के लिए रास्ते नहीं, यहाँ पे तार फटी लगा रखी है जाली वाली, जा तो सकते हैं यार, क्या मतलब कोई डांट वाट दे, हम कल जाएंगे सोलांग वैली भाई, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बर्फ पड़ी रखी, मजा आएगा बर्फ में, क्या समझ भाई मजा आएगा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा कल, कसम से मैं तो कल का नहीं हो रहा, मैं पैक होके भी नहीं आया कल, पैक होके आऊंगा फुल, मैं कल पैक होऊंगा हाँ मैं, बट मजा आएगा यार इसके अंदर जाते ना, बर्फ चलो कोई बात नहीं यार, मैंने जाली वाली लगी हुई है यार, जा नहीं सकते ना बर्फ बर्फ, बट कोई नहीं, अच्छा ठीक है कल देखेंगे सोलांग वैली में। भाई अभी बज रहे हैं 3:30 और शाम होना स्टार्ट होगी, सर्दी बढ़ना भी स्टार्ट होगी, तो फिलहाल हम रूम पे जा रहे हैं और अबे बस आ गई, अभी बज रहे हैं 3:30 और भाई ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठंड लग रही है बहुत भयंकर, हाथ एकदम ठंडे हो रखे हैं है ना, और भाई शाम भी होना स्टार्ट होगी, तो सूरज ढलना स्टार्ट हो गया है, तो फिलहाल हमने घूम घाल लिया, इसके अंदर अंधेरा अंधेरा होने लगा था पेड़ों की वजह से, सोचा रूम पे चलते हैं यार, एडिटिंग भी करनी है, 2 ब्लॉग्स हैं भाई मेरे पास, 2 ब्लॉग्स की एडिटिंग करनी है और फिर अपलोड भी करना, थोड़ा आराम आराम भी करना, खाना वाना सुबह ही वो खाया था, एक पराठा समोसा कद्दू कुछ नहीं हुआ उससे, देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो फिलहाल रूम पे आ गया, मस्त बर्फ का पहाड़ चमक रहा भाई, कल आपके लिए बड़ा ही तगड़ा ब्लॉग आने वाला है, अगला ब्लॉग जो आएगा ना भयंकर तगड़ा आएगा, क्योंकि हम बर्फ पे जा रहे हैं मस्त घूमने, देखना मजा आएगा मजा का सबसे। तो फिलहाल भाई हम हैं अपने रूम में, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी भाई एडिटिंग चल रही है, वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब जो इससे पहले वाली आपने देखी होगी ना वो वाली, और सौरभ यहाँ पे खड़ा फोन चला रहा है, इसका बिस्तर ये रहा, मतलब ना रूम वाले मतलब सही है भाई, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, एक्स्ट्रा मतलब ब्लैंकेट ले ली हमने दो, तो मस्त सर्दी ज़्यादा हो रही है कसम से, बहुत भयंकर हाथ ठंडे पड़ रखे हैं, मतलब मुझे तो जल्दी सोने की पड़ी है, बट यार ये एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा देख सकते हो अभी म्यूजिक साउंड एक्सपोर्ट हुआ है, अब भाई ये टाइम लगेगा 15 मिनट फिर अपलोड होने में, फिर मैं सोऊंगा, और टाइम कुछ क्या हो रहा है अभी मैं दिखा रहा हूँ 12:33 और चैतन्य सुबह सो चुके हैं, और मैं इस ब्लॉग को एंड करने वाला हूँ, मैं बताता हूँ सुबह से क्या हुआ, हम सुबह 11 बजे यहाँ आए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिखा दिया था, 11 बजे आने के बाद भाई थोड़ा हमने आराम वराम किया, मतलब थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए, मुँह मुँह धोया यार, मतलब पूरी हालत हो चुकी थी 17 घंटे के सफ़र के बाद, फिर हमें भूख लगी थी बहुत तेज़, फिर हम खाना वाना खाया, खाना कद्दू भी कुछ नहीं, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था ना आज, तो मतलब ऐसा था कि 11 बजे पहुंचने के बाद 12-1 बजे से हम यहाँ से निकले, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद, तो मतलब आज हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, कि मतलब 1 बजे से अगर हम कहीं दूर जाते तो यहाँ पर तो भाई 3-4 बजे ही मतलब शाम होना स्टार्ट हो जाती, तो फिर हमारा वापस आना अंधेरे में हो पाता, इसीलिए हमने सोचा जल्दी ब्लॉग इस ब्लॉग को मतलब कुछ नहीं यहीं पास में घूम के आते, तो यहीं पर एक मंदिर दिखाया वो 1-2 किलोमीटर मतलब 2-3 किलोमीटर बगल में ही, तो वहीं हमने आपको घुमा दिया इस ब्लॉग में, तो बाकी का मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल भाई हम मस्त बर्फ में जाने वाले हैं, फुल प्लान है ना सौरभ भाई बता दो, तो बस
इसने भी अपना ब्लॉग एंड नहीं किया, तो ये भी ब्लॉग एंड करने के वेट में, मतलब मैं कर दूँ उसके बाद ये भी ब्लॉग एंड कर दे अपना। तो कल हम फुल्ली बर्फ में जाने वाले हैं, फुल पैक होने के बाद सोच रहा हूँ कुछ कपड़े एक्स्ट्रा ले लूँ भाई, पर पाते हैं पैसे नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल। और हाँ यार, ब्लॉग थोड़े मतलब कम डाल पाए, बट अब रेगुलर भाई, अब डेली कुछ टेंशन वाली बात नहीं। सब्सक्राइब करके अगर नहीं किया सब्सक्राइब चैनल तो ठीक है, और ब्लॉग को लाइक कर दो यार, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आप लोग कर देते हो, उससे दिल खुश हो जाता है। तब तक लिए बाय बाय।